साथियों नमस्कार, मैं मनीषा जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, इस बार मैं आपके लिए बहुत ही अनोखी चीज लेके आई हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत और बहुत अनोखी, ऐसी चीज जिसको देख करके आपको बहुत खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, अगर यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। अब ये जो मैं बता रही हूँ, इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बता रही हूँ। और हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए भी और बाकी जो देखने वाले होंगे जिनको आप दिखाएंगे उन सबके लिए भी। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। साथियों, मेरे हाथ में एक डिवाइस यानी कि उपकरण है जिसका आकार, यदि आकार के विषय में मैं बात करूं तो ज्योमेट्री बॉक्स जो बच्चों की होती है उसको दुगना कर दीजिए, यानी उसके जितना बड़ा ये होता है। या अगर हम एक शब्द में कहें तो हमारे जो रजिस्टर आते हैं हमारे, उस रजिस्टर के जितना ये हो सकता है। ये है एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं ब्रेन रिफ्रेशेबल डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, ब्रेल रिफ्रेशेबल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि ब्रेल के जो अक्षर हैं वो इसमें हमको पढ़ने को मिलते हैं। अर्थात हम सामान्य लोगों के साथ बैठ करके अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए ब्रेल लिपि में बिना पेपर बिना पेन की सहायता से सब कुछ लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें कई बार रिकॉर्डेड बुक्स सुनने को मिलती हैं कि आपको रिकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको दिखता नहीं है तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन साथियों, अगर ये डिवाइस हमारे पास में अवेलेबल है तो हमें रिकॉर्डिंग बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी बुक्स को कन्वर्ट करवा करके ब्रेल लिपि में और इसी में पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रेल रिफ्रेशेबल डिस्प्ले जो मेरे हाथ में है, उस डिस्प्ले में जो सबसे नीचे की साइड है उसमें एक लाइन दी गई है। इस लाइन में 40 जो है छेद हैं, इसमें 40 छेद हैं, इसमें कैरेक्टर है, इसमें आप 40 कैरेक्टर में आप लिख सकते हो। हमारा जो इंटर पॉइंट होता है उसमें आपने देखा होगा कि इंटर पॉइंट में 27 होते हैं, है ना, इसमें 40 है। तो 40 इसमें है कैरेक्टर का, ये डिवाइस है, ये लाइन है। इस 40 कैरेक्टर के ठीक ऊपर 8 बटन और हैं। उन 8 बटनों से एक जो है ऑल्ट है, एस्केप है ना, कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें, यानी हमारे जो लैपटॉप होता है, जो कंप्यूटर होता है, उसकी तरह इसमें सिस्टम है। बीच में एक बड़ा बटन है जिसको हम स्पेस बार कहते हैं। उस लाइन से थोड़ा ऊपर आएंगे हम तो हमें और 8 बटन दिखेंगे। साथियों, इन 8 बटनों में क्या है, पहले जो लेफ्ट साइड में है वहाँ हम अपनी उंगलियाँ सेट करें तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6 जो हमारे ब्रेल की डॉट्स होते हैं ब्रेल के, उसके ये 6 बिंदु तो इसके हो गए। फिर इसके लेफ्ट साइड में बैक स्पेस है, जैसे हमारे लैपटॉप में होता है एमएस वर्ड में जब हम लिखते हैं तो कोई अक्षर गलत हो जाए तो हम ये इसका बैक स्पेस का यूज़ करते हैं ना, ठीक वैसे इसमें बैक स्पेस है कि आप किसी भी अक्षर को मिटा सकते हो। और राइट में यानी कि 6 के पास में जो बटन है उसको हम एंटर कहते हैं। एंटर का मतलब क्या है ये तो आप समझते ही होंगे, है ना, यानी किसी भी चीज़ को क्लिक करने का ये बटन है, की है। अगर हम एंटर और बैक स्पेस के थोड़ा साइड में जाएं, ठीक पास में जाएं, तो हमें 4 बटन मिलेंगे जो कि एक वृत्त के समान कोण बना हुआ है, एकदम वृत्त के जैसा ही है। तो उस वृत्त में ये 4 बटन दिए गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है साथियों कि पेज अप डाउन का और जो लाइंस है ऊपर और नीचे करने के बटन हैं, और इसमें आप चाहे तो पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हो। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो हमको 2 बटन लेफ्ट में और 2 बटन राइट में मिल जाएंगे। इनसे क्या होता है कि इनसे हम अप डाउन एरो करके इसको पढ़ सकते हैं, इसमें जो बुक है उसको पढ़ सकते हैं।
ये जो 6 कैरेक्टर है इसके माध्यम से आप किसी भी भाषा में एंटर कर सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो। अब मजे की बात ये है, आप पूछोगे कि मनीषा वो सब तेरी बातें ठीक है, पर इसमें ये एंटर होगा कहाँ से, मतलब आपका कि ये कागज़ तो है नहीं इसमें, फिर जाता कहाँ से है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ, आपकी जिज्ञासा को शांत करूँ, इसमें क्या होता है कि इसके ठीक लेफ्ट में एक सॉकेट है, उस सॉकेट में मेमोरी कार्ड डाला हुआ है। तो इसमें हम जो भी लिख रहे हैं वो मेमोरी कार्ड के अंदर ब्रेल में कन्वर्ट हो जाता है ना, और कन्वर्ट होकर के ये हमको यहाँ ब्रेल में दिखता है। ठीक, यानी कि ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो मेमोरी कार्ड में सेव हो रही है बनिस्बत कागज़ के। अच्छा, अब इसका हमको फ़ायदा क्या है? देखो दोस्तों, इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें हमको ना तो कागज़ की आवश्यकता पड़ती है ना किसी और चीज़ की, है ना। इसमें हम केवल एक डिवाइस है छोटा सा जिसको हम आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका वज़न बामुश्किल आधा किलो से भी कम होगा, है ना, इतना ही वज़न है इसका। तुम आराम से इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और ये चार्ज होता है ना, चार्जिंग बैटरी है इसमें, तो उस बैटरी पर ये काम करता है। इसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ कि आप कंप्यूटर के साथ में इसको कनेक्ट कर लोगे तो जो चीज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है वो आपको इस डिवाइस की जो 40 करेक्टर की हमारी स्क्रीन है उसमें भी आपको ब्रेल में दिख जाएगी, है ना। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इंग्लिश की सारी फाइल्स जो हैं, किताब हो या कुछ भी एमएस वर्ड हो, तो उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर ब्रेल में कन्वर्ट करना होता है, और ब्रेल में कन्वर्ट करके मेमोरी कार्ड में डाल के आप इसमें भी पढ़ सकते हो। और हिंदी इंग्लिश तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आराम से इसमें आ जाएगी, पर हिंदी के लिए उसको कन्वर्टेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हिंदी वर्ड्स कन्वर्ट करके फिर पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको इस पर थोड़ा काम करके दिखाती हूँ कि कैसे हम इस पर काम करते हैं ना। देखिए, ऑन, ये मेरा डिवाइस ऑन हो चुका है। जैसे ही ऑन होता है तो इसमें ये एक साउंड आता है। साथ ही इसमें ना जो है 5 ऑप्शन होते हैं हमारे सामने। सबसे पहले नोट पैड, फिर होता है टर्मिनल मोड होता है इसमें, इसमें लिखा होता है टर्मिनल फोर स्क्रीन रीडर। उसके बाद में अगला ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशंस का है, अगला ऑप्शन ऑप्शंस है अगले में, और उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन है। मैं आपको एक फाइल में कुछ काम करके दिखाऊं, तो इसमें मैं सबसे पहले नोटपैड में आऊंगी, नोटपैड में आके मैं एंटर प्रेस करूंगी, एंटर प्रेस करके मैं न्यू फाइल में जाऊंगी। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कट, कॉपी, डिलीट, है ना, न्यू फोल्डर एंड न्यू फाइल। ये मैंने न्यू फाइल पे एंटर किया तो ये मेरी नो नेम 38, यानी कि 38 नंबर की एक न्यू फाइल मेरी क्रिएट हो रही है। ये मेरी न्यू फाइल क्रिएट हो गई। अब सपोज कीजिए मुझे कुछ लिखना है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था साथियों कि 1, 2, 3 और 4, 5, 6 के अक्षर ये बटन्स हैं। अब मान लीजिए मुझे मनीषा लिखना है, तो मैं लिखती हूँ मनीषा जैन। अब मुझे इंग्लिश में लिखना है, मनीषा जैन, है ना। इस तरह से इसमें ये चीज़ है कि ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है और हमारा जो काम है वो भी अच्छे से इसमें हो जाता है। अब इसमें विशेष बात क्या है साथियों, इसमें होता ये है कि हम सामान्य लोगों के साथ में बैठ करके अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए इसको पढ़ सकते हैं, है ना, इसमें लिख सकते हैं। मेरी कई सारी फाइल्स या कई सारे इसमें नोट्स हैं तो वो सब मैंने इसमें डाल रखे हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ पढ़ के बताऊं ताकि आपको यकीन हो कि वास्तव में ये चीज़ है, है ना। अब जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए कि एक नोट है आयु, तो इसमें मैं पढ़ रही हूँ। आयु पढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे बालक में बौद्धिक प्रखरता, संवेगात्मक संकुलन तथा सामाजिक संयोजन की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें उचित अनुचित तथा अच्छे बुरे का ज्ञान भी बढ़ जाता है। बालक में आयु वृद्धि के साथ ही नैतिक गुणों का विकास भी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ भी सकते हैं साथियों। बहुत
चाहिए अगर आप इसमें देखें तो, और ये हमारे लिए बहुत काम की भी चीज़ है। तो आज मैंने आपको इस डिवाइस के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी दोस्तों। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, अगली वीडियो में मैं फिर कुछ आपको नया बताऊंगी, कुछ स्पेशल बताने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए, नमस्कार।